ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। कांकरोली पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांकरोली थाना प्रभारी डीपी दादीज ने बताया कि कांकरोली बस स्टैंड पर चाय की होटल चलाने वाले दीपक पुत्र गोवर्धन लाल चिपा ने रिपोर्ट देकर बताया कि सोफिट रोड कलेक्ट्रेट के पास चाय की होटल चलाता है, जहाँ करीब 4-5 दिन पूर्व दो व्यक्ति चाय पीने आए, जिन्होंने मजदूरी के समय एक मकान से सोने के मोती निकले जो आधे दाम में देने की बात कही। कीमत पूछी तो 5 लाख रुपये आधा किलो सोना देना बताया। बदमाशों ने एक सोने का मोती देकर मोबाइल नंबर ले लिए। दीपक ने सोने की जांच करवाने के लिए महेश सोनी को बताया तो उसने यह मोती असली बताया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने 26 नवंबर को दीपक को सोमनाथ चौराहा बुलाया। दीपक 10,000 रुपये देकर 200 सोने के मोती लिए, बाकी शेष 40,000 रुपये 27 नवंबर को देना तय हुआ। यह मोती महेश सोनी को बताया तो उन्होंने कहा कि यह मोती नकली है। यह सुनकर दीपक के होश उड़ गए। कांकरोली थाना प्रभारी डीपी दाजीज के नेतृत्व में मुलजिमों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई। टीम द्वारा संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की गई। पुलिस ने बागरियों का वास तिलोड़ा थाना बागोड़ा जिला जालोर निवासी भंवर राम पुत्र गणेश राम बागरी व धानसा थाना रामसिंह जिला जालोर निवासी भरत कुमार पुत्र थाना राम बागरी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने सोने के मोती देना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी वारदातें खुल सकती हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। हत्या के आरोपी गिरफ्तार। खमनौर थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व कोटवा गांव में ढीकला में रस्सी से बंधी लाश मिलने पर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। इस हत्या में मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने प्रेमी को पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया गया। महिला रविवार रात को टॉयलेट के बहाने गई, जहाँ कमोड़ के सहारे रोशनदान से फरार हो गई। पुलिस ने करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को पुनः गिरफ्तार कर लिया। नाथद्वारा DSP छगनलाल पुरोहित ने बताया कि ढीकला निवासी मृतक पिता पुत्र गंगाराम भील व नील बावड़ी कोटवा निवासी पुनाराम पुत्र माना भील 24 नवंबर की शाम को एक साथ शराब पीने से पुलिस को पुनाराम पर शंका हुई। पुलिस ने पुनाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान पुनाराम ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इस हत्या में मृतक की पत्नी गोटीबाई का हाथ होना भी बताया। पुलिस ने मृतक की पत्नी गोटीबाई को रविवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रविवार रात को गोटीबाई को खमनौर पुलिस थाने में रखा गया। गोटीबाई ने रविवार रात 11 बजे टॉयलेट जाने के बहाने टॉयलेट के रोशनदान से फरार हो गई, जहां इसके बाद पुलिस की 8 घंटे की मशक्कत के बाद गोटीबाई को पुलिस द्वारा पुनः पकड़ लिया गया। बताया कि दोनों का लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था, इसी के चलते पति से आए दिन झगड़ा होता था। पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और पति की हत्या कर दी। गांजे की तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना पुलिस ने 11 किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में शामिल अल्टो कार को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। देलवाड़ा थाना प्रभारी उदयलाल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान मादक पदार्थ की धरपकड़ के तहत देलवाड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र के बिलोता में नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रुकवाया। कार में बैठे दोनों ही युवकों से पूछताछ की गई तो पुलिस को संदिग्ध लगा, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार से 11 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपी उदयपुर जिले के निवासी कैलाश उर्फ किशनलाल और गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 11 किलो गांजा बरामद कर लिया गया, साथ ही प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी।